एमपी उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। उपचुनाव वाली चारों सीटों पर वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कंप्यूटर बाबा प्रचार करने वाले हैं। 12 से 26 अक्टूबर तक प्रचार करेंगे कंप्यूटर बाबा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने में कंप्यूटर बाबा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार बदलने के बाद बीजेपी की सरकार में हुई थी कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई। कार्रवाई के बाद कंप्यूटर बाबा ने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक मैदान में वो कूदने जा रहे हैं। 12 से 26 अक्टूबर तक कंप्यूटर बाबा प्रचार करने वाले हैं। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, अब कंप्यूटर बाबा बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं, पहले थे उसके बाद गायब थे, एक बार फिर से उनकी वापसी हो रही है। देखिए बिल्कुल, और उपचुनाव के माहौल के बीच कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो रही है और कंप्यूटर बाबा सीधे 12 अक्टूबर से अपना प्रचार शुरू करेंगे। कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी खंडवा लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा की तीनों सीटों पर प्रचार करेंगे और कंप्यूटर बाबा का जो शेड्यूल जारी हो चुका है 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक लगातार प्रचार होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा जिस दिन बाबा प्रचार न करें। और बाबा ने जो तैयारी की है, जो तमाम इलाकों के साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनके साथ बाबा प्रचार को निकलेंगे और संतों के जरिए कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। देखिए कंप्यूटर बाबा की बात करें, एक समय ऐसा था जब बीजेपी सरकार में जो कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा दिया गया था, हालांकि कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन जब मध्य प्रदेश में फिर दोबारा सत्ता परिवर्तन हुआ उस दौरान कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और तब से ही कंप्यूटर बाबा की बात करें तो वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे और एक बार फिर उपचुनाव के बीच कंप्यूटर बाबा की एंट्री हुई है। हालांकि हम बात करें कंप्यूटर बाबा को लेकर तो 2018 के चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में महती भूमिका अदा की थी और अब हम देख पा रहे हैं कि उपचुनाव के बीच कंप्यूटर बाबा की एंट्री हुई है, जो कंप्यूटर बाबा पर फोकस कांग्रेस ने भी किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।